एक वड्डी वारदात वापरी है जिथे रिहायशी इलाके दे विच कार सवार एक नौजवान ते कुछ बदमाशा ने जानलेवा हमला किया है। तेज धार हथियारां दे नाल कई वार उत्ते वार किया है ते मुंडा भी अपना बचा करदा नजर आया है, जिस करके बुरी तरह दे नाल जख्मी होया है। कार दे विच सवार इस नौजवान ते तीन अनपछातियां दे वलों तेज धार हथियारां दे नाल हमला किया जाता है। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने जिस विच हमलावर नजर भी आए ने, जिथे एक रिहायशी इलाके दे विच एक कार खड़ी है, कार दा दरवाजा खुल्लिया होया है ते ए बदमाश जिहड़े ने हथियारां दे नाल उस नौजवान ते वार करते नजर आ रहे ने। लगातार वार किते जांदे ने, जदों ए नौजवान अपना बचा करदा है ते इस दे हथ बुरी तरह दे नाल जख्मी हो जांदे ने, वड्डे जांदे ने, जिस तों बाद इस नूं हस्पताल पहुंचाया जांदा है। ये हमलावर हमला करने तो बाद उतो फरार हो जाते हैं, जिस तो बाद ये नौजवान भी खुद गड्डी चो बाहर निकलता है, पर इसके हाथ जख्मी होते हैं, जिस करके ये मदद नहीं कर पाता है अपनी। तो लोग जड़े ने बाहर निकल आते हैं घरों चो, तो उन्होंने वालों इस जख्मी नौजवान को हस्पताल पहुँचाया जाता है। अमृतसर के रणजीत एवन्यू के एक रिहायशी इलाके वारदात वापरी है कि जिथे एक कार सवार नौजवान ते इन्हां बदमाशां दे वलों जानलेवा हमला किया जाता है। तेज धार हथियारां दे नाल कई वार उसते वार करते हैं, बुरी तरह उसनूं जख्मी करते हैं, फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरां दे विच हमलावर नजर भी आए ने कि काफ़ी देर तक कार के अंदर बैठे इस नौजवान के उत्ते तेज धार हथियार मारते रहते हैं। कार का दरवाजा खुला होंदा है, नौजवान अंदर ही बैठा होंदा है ते ए जड़े बदमाश ने हथियारां दे नाल उसते वार करते रहते ने। शोर शराबा सुन के लोग भी बाहर निकल आते ने, बदमाश उत्थों फरार हो जाते ने ते फिर लोगों के वलों इस नौजवान नू हस्पताल पहुँचाया जाता है। उधर पुलिस के वलों भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करके इन्हों बदमाशों की तलाश की जा रही है। इतने भी दसिया जा रहा है कि नौजवान इमीग्रेशन का काम करता है, तो जो ही घर में वापस जा रहा है तो उस दौरान ही एक रिहायशी इलाके इसनों घेरिया जाता है, तो फिर गड्डी दे विच बैठे ते ही तेज धार हथियारों नाल हमला किया जाता है। फिलहाल नौजवान हस्पताल दे विच जेरे इलाज है ते पुलिस दे वल्लों इन्हां हमलावरां की तलाश की जा रही है। एक वड्डी वारदात वापरी है जिथे रिहायशी इलाके कार सवार एक नौजवान ते कुछ बदमाशा ने जानलेवा हमला किया है। तेज धार हथियारां दे नाल कई वार उत्ते वार किया है ते मुंडा भी अपना बचा करदा नजर आया है, जिस करके बुरी तरह दे नाल जख्मी होया है। कार दे विच सवार इस नौजवान ते तीन अनपछातियां दे वलों तेज धार हथियारां दे नाल हमला किया जाता है। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने जिस विच हमलावर नजर भी आए ने, जिथे एक रिहायशी इलाके दे विच एक कार खड़ी है, कार दा दरवाजा खुल्लिया होया है ते ए बदमाश जिहड़े ने हथियारां दे नाल उस नौजवान ते वार करते नजर आ रहे ने। लगातार वार किते जांदे ने, जदों ये नौजवान अपना बचा करता है तो इसके हाथ बुरी तरह दे नाल जख्मी हो जाते ने, वड्डे जाते ने, जिस तों बाद इस नूं हस्पताल पहुँचाया जाता है। ये हमलावर हमला करने तों बाद उत्थों फरार हो जाते ने, जिस तों बाद ये नौजवान भी खुद गड्डी चो बाहर निकलता है, पर इसके हाथ जख्मी होते ने, जिस करके ये मदद नहीं कर पाता है अपनी। तो लोग जड़े ने बाहर निकल आते हैं घरों चो, तो उन्होंने वालों इस जख्मी नौजवान को हस्पताल पहुँचाया जाता है। अमृतसर के रणजीत एवन्यू के एक रिहायशी इलाके वारदात वापरी है कि जिथे एक कार सवार नौजवान ते इन्हां बदमाशों के वलों जानलेवा हमला किया जाता है। तेज धार हथियारों के नाल कई वार उसते वार करते हैं, बुरी तरह उसनू जख्मी करते हैं, फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरों के विच हमलावर नजर भी आए ने कि काफ़ी देर तक कार के अंदर बैठे इस नौजवान के उत्ते तेज धार हथियार मारते रहते हैं। कार का दरवाजा खुला होंदा है, नौजवान अंदर ही बैठा होंदा है ते ए जड़े बदमाश ने हथियारां दे नाल उसते वार करते रहते ने। शोर शराबा सुन के लोग भी बाहर निकल आते ने, बदमाश उत्थों फरार हो जाते ने ते फिर लोगों के वलों इस नौजवान नू हस्पताल पहुँचाया जाता है। उधर पुलिस के वलों भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करके इन्हों बदमाशों की तलाश की जा रही है। इतने भी दसिया जा रहा है कि नौजवान इमीग्रेशन का काम करता है, तो जो ही घर में वापस जा रहा है तो उस दौरान ही एक रिहायशी इलाके इसनों घेरिया जाता है, तो फिर गड्डी दे विच बैठे ते ही तेज धार हथियारों नाल हमला किया जाता है। फिलहाल नौजवान हस्पताल दे विच जेरे इलाज है ते पुलिस दे वल्लों इन्हां हमलावरां की तलाश की जा रही है।